कोई त्योहार हो और उस वक्त आप 32 बार का फॉर्मूला का जो टिप्स है वो उसे अपना गर्म पानी की हूँ। आप लोग ब्लॉग का वजन बढ़ गया है, वो लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं अपने। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है महाशिवरात्रि, आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोगों को पता होगा। तो शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो मैं घर पे ही की हूँ, मंदिर नहीं गई थी। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है पूरा कंप्लीट। अब टाइम हो गया है मुझे कुछ खाने का, और मैं सुबह से कुछ खाई नहीं। वैसे भी आज मेरा फास्टिंग है तो वो कुछ खाना नहीं है। और खाना तो मैं पहले ही बना चुकी थी नहाने से पहले ही, पूजा पाठ करने से पहले ही मैं खाना वाना बना करके नहाने चली गई। फिर आई, फिर पूजा पाठ की तैयारी की और पूजा पाठ की। उसके बाद अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि दोपहर का जो खाना है वो मैं क्या बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ आलू फ्राई, देख सकते हैं आलू फ्राई बनाई थी। और इधर बना है लौकी, आलू और चना डाल के मैं बनाई थी सब्जी। और आज मैं सब्जी को कुकर में बनाई हूँ, क्योंकि लौकी की सब्जी जब भी मैं बनाती हूँ ना तो कुकर में ही बनाती हूँ, वो उसका बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है कुकर वाला। और इधर दाल मेरा बन चुका है, चावल, यही सब मैं बनाई हूँ आज के दोपहर में। और यहाँ पे जो है चना और मूंग मैं दी थी रात को फूलने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है। तो आज का जो मेरा फास्टिंग है ना उसमें से मैं इसी को खाऊंगी। तो चलिए इसे ले लेती हूँ। आज मेरा फास्टिंग है तो सबसे पहले मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी ही पीऊँगी। प्रसादी है महाशिवरात्रि की पूजा की, तो आप लोग भी लीजिए, ग्रहण कीजिए प्रसादी।
महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की फिर से आप लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जब कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, और उस टाइम पे आप 32 बार का जो फॉर्मूला है उसे आप कैसे मेंटेन रखें, कैसे अपनाएं, ये आज आप लोग को ब्लॉग में मेरे को देखने को मिलेगा। तो आज भी आज मेरा फास्टिंग है, तो मैंने फास्टिंग में आज देखिए मैं क्या ले रही हूँ। और अभी तक मैं सुबह का जो मॉर्निंग का रूटीन था वो मैं नहीं की कर पाई, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था और फास्टिंग था, जिस कारण मैं पानी भी नहीं पी हूँ। तो अभी अपने लिए मैं लेके आई हूँ गर्म पानी और उसमें नींबू, आप लोग देख ही दिए होंगे, फिर मैं दिखाई थी कि मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। तो गर्म पानी का कभी छोड़े ना, हमेशा गर्म पानी पिए और अपने को मेंटेन रखें। और जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो लोग तो बिल्कुल भी गर्म पानी पीना ना छोड़ें, हमेशा गर्म पानी करके रखें और उसे पिए। ताकि वजन अभी मतलब बढ़ गया है उन लोग भी, उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्म पानी पीते रहना। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं, जब आपको प्यास लगे तो गर्म पानी का ही सेवन करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये 32 बार का ब्लॉग है वो आप लोग को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं कि 32 बार का फॉर्मूला के बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं तो। और दूसरी बात है कि आज तो शिवरात्रि है और मेरा फास्टिंग है, तो मैं सुबह से कोई भी चीज़ नहीं खाई हूँ ना ही पी हूँ अभी तक। जो हल्दी पानी होता है या जो भी गर्म पानी के साथ लेना होता है मॉर्निंग के टाइम में, वो मैं नहीं आज की हूँ। तो मेरा फास्टिंग था तो मैं सोची कि वो उन लोग उसको आज थोड़ा सा मैं इग्नोर करूँ और पूजा करने के बाद ही मैं ले रही हूँ। फास्टिंग हो या कुछ भी करके रखे हैं, बट बत्ती अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करें और हमेशा मेंटेन रखें रूटीन को कि हमें करना ही करना है, तभी जा कर के जिन लोगों का वजन बढ़ गया है वो लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं, अपने बॉडी को लेवल में ला सकते हैं, कम वजन कम कर सकते हैं ऐसा। और मेरा जो है ये आज का यही है, चना और फास्ट का जो फूड होता है, मतलब जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन का मेरा खाना यही रहता है, चना और हरा मूंग और कुछ फ्रूट्स हैं और गुड़। गुड़ मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि गुड़ मुझे पसंद है। जब भी मैं चना के साथ में गुड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं दूध रोटी खाती हूँ तो दूध रोटी में मैं गुड़ को डालती हूँ, चीनी को नहीं डालती हूँ क्योंकि चीनी मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ चाय में डालती हूँ। और दूध के साथ में ये गुड़ का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो और देखिए ये बैर देखिए कितना बड़ा है। और फ्रेंड्स यही है मेरा आज का खाना। तो 32 बार का जो फॉर्मूला अपना रहे हैं आप लोग, प्लीज अपनाते रहिए। और एक दिन में तो नहीं होगा, जो भी चीज़ को आप खा रहे हैं उसे 32 बार चबा के खाएं, एक दिन में तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे करते हो जाएगा। और आप लोग इस फॉर्मूला को अपनाए रखें, अपने वजन को कम करें। और जिनका वजन बढ़ा नहीं है, जिसको मेंटेन रखना है, मेरी तरह से मेंटेन रखना है, आप देख सकते हैं मैं ना मोटी हूँ ना पतली हूँ, बस अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। तो मेंटेन कैसे रखती हूँ, अपने रूटीन में हमेशा रहती हूँ, और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो या कुछ भी हो, अपने को रूटीन में रहती हूँ कि हमें ये नहीं खाना है और इसे खाना है तो हमें टाइम पे खाना है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, कोई बात नहीं। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी चीज़ खानी है उसे चबा चबा करके खानी है। और 32 बार चबा करके खाने से क्या होता है ना कि हम जब भी कोई भी चीज़ को लिक्विड बनाते हैं तो धीरे धीरे उसका जब हम खाते रहेंगे उसको तो धीरे धीरे कारण हमको भूख भी कम लगता है। तो 32 बार का जो फॉर्मूला का नियम है यही है कि आप जो भी चीज़ जब भी कोई भी चीज़ खाएँ 32 बार चबा के खाएँ। और उसमें और भी चीज़ है फूड, जो आगे ब्लॉग में मेरे को धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी कि आप अपने वजन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपने को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। और जिन लोगों का वजन बढ़ भी गया है ना, हद से भी ज़्यादा बढ़ गया है, उन लोग भी कैसे कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का वजन बढ़ गया है उसका कम हो ही नहीं सकता, बहुत चीज़ कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे जो इम्पॉसिबल है या इंसान के बस में नहीं है। हम इंसान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस मन में ठानना पड़ता है कि हमें करना है तो करना है।
अगर एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। इसे रेगुलर बनाए रखना है और अपने आप को अगर मेंटेन रखना है, कुछ बदलना है अपने को, तो उसमें लगना पड़ेगा, तब जा करके हम एक दिन सक्सेस इसमें हो सकेंगे कि हमारा वजन कम हो गया या हम अपने बॉडी का वजन बढ़ने ना दें। इस चीज़ को हमेशा मैं से ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, बस अभी आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और मैं चलती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है मेरी और फास्ट है आज मेरा, तो मैं ज़्यादा बकबक कर भी नहीं पा रही हूँ। मेरी आवाज़ देख रहे सुन रहे होंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धीमा आ रहा है। कारण यही है कि मैं सुबह से खाई नहीं हूँ कुछ। अभी 12 बजने जा रहा, पूजा पाठ में तो बहुत ज़्यादा लेट हो ही जाता है फ्रेंड्स, और आज तो फेस्टिवल है तो और भी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि मैं खाना ना जो भी था ना बना रही थी, पूरा सारा सुबह ही मैं बना ली, क्योंकि मैं पूजा के बाद कुछ भी ना करना पड़े। तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू, और फ्रेंड्स कमेंट्स कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को 32 बार का कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं खा लेती हूँ। Oh, oh, oh.